दोस्तों, अगर कोई ऐसी एक अदाकारा है जिन्होंने शुरुआती दौर के एक्टर के साथ साथ आज के जनरेशन के एक्टर के साथ भी तालमेल बनाया हुआ है, तो अरुणा ईरानी का नाम लेना गलत नहीं होगा। आज अरुणा ईरानी को ना ही नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग उनको जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अरुणा ईरानी के प्रशंसकों को उनके और उनके पारिवारिक बैकग्राउंड से जुड़ी जानकारियां पहुंचाएं। यहां हम उनके प्रारंभिक जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे, तो इस दिलचस्प जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अरुणा ईरानी का जन्म 18 अगस्त 1946 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम फरीदून ईरानी था, जो कि नाटक मंडली चलाया करते थे, और उनकी माँ का नाम सगुना था, वो एक अभिनेत्री थी। इनके माता पिता की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। अरुणा जी 8 भाई बहन थे। अरुणा उनमें से सबसे बड़ी थी। उनके भाइयों के नाम हैं फिरोज ईरानी, इंद्र कुमार, आदि ईरानी, बलराज ईरानी, रतन ईरानी, और बहनों का नाम है सुरेखा ईरानी और चेतना ईरानी। बात करें इनके भाई बहनों के बारे में, तो इनके भाई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भाई आदि ईरानी एक जाने माने फिल्म एक्टर है। आदि ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म तृष्णा से की थी। आपने इनको कई फिल्मों में विलेन के किरदार में देखा होगा। इन्होंने डॉन ईरानी से शादी की है। उनसे इनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम अनायदा ईरानी और अराया ईरानी है। दूसरे भाई फिरोज ईरानी एक एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ज्यादातर हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है। वो शादीशुदा हैं। इनकी पत्नी का नाम तो कहीं उल्लेखनीय नहीं है, पर इनके बेटे का नाम अभिषेक ईरानी है। बलराज ईरानी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो जाने जाते हैं नो एंट्री और सुहाग जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए। वो शादीशुदा हैं और इनके एक बेटे भी हैं। बात करें भाई रतन ईरानी की, तो वो भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। रतन ईरानी ने कश्मीर हमारा है, नफरत की आंधी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। बात करें भाई इंद्र कुमार की, तो इंद्र कुमार भी एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने टोटल धमाल और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म डायरेक्ट की है। इनकी अपकमिंग मूवी थैंक गॉड है। इंद्र कुमार की पत्नी का नाम बीना कुमार है। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम श्वेता कुमार है और पेशे से एक अभिनेत्री है। बेटे का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अरुणा ईरानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई 6ठी कक्षा के बाद छोड़ दी, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अरुणा ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में ही कर ली थी। फिल्म गंगा जमुना से, उस समय वो महज 9 साल की थी। हेमंत कुमार के गीत इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के में गुरुजी के साथ गा रहे बच्चों में वो शामिल थी। गाना चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी अरुणा के डांस की वजह से ही लोकप्रिय हुआ था। उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ आया 1971 में कारवा फिल्म से। इस सुपरहिट फिल्म में इन्होंने तेज तर्रार बंजारन की यादगार भूमिका निभाई है। उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है खेल खेल में, मिली, लैला मजनू, बेटा, शालीमार और भी कई फिल्में। अपने करियर के दौरान अरुणा कई मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी कई रोल निभाए हैं। 2000 में उन्होंने धारावाहिक जमाना बदल गया से छोटे पर्दे पर अभिनय की शुरुआत की। बात करें उनकी शादीशुदा जिंदगी की, तो अरुणा ईरानी ने कुकू कोहली से 1990 में शादी की, जो कि एक फेमस फिल्म मेकर है। जिस वक्त अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर कुकू कोहली से शादी की, उस वक्त अरुणा की उम्र 44 वर्ष थी। कुकू कोहली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। हालांकि अरुणा को एक भी बच्चे नहीं है। दोस्तों, आशा करते हैं अरुणा ईरानी और उनके परिवार से जुड़ी हुई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही ये भी बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस सेलिब्रिटी को देखना पसंद करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को अपना सहयोग देते रहें। आपका धन्यवाद।